हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्राफिक्स चैनल पे नए हो, वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, कमेंट कर देना, इट हेल्प्स मी अ लॉट। सो लास्ट जो मैंने पीआर हॉल की वीडियो डाली थी वो आप लोगों ने बहुत लाइक की है। सो उसके बाद जो मेरे पास पीआर की चीज़ें आई हैं उसको मैंने एक और वीडियो में बनाया है, आई होप आप इसे भी लाइक करोगे। एंड फॉर दोज ऑफ यू जिन्हें नहीं पता पीआर क्या होता है, सो कॉन्टेंट क्रिएटर्स के पास कोलैबोरेशन में या फिर ट्राई करने के लिए कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे अगर मैं स्किन केयर और ब्यूटी की कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ तो मेरे पास उसी के प्रोडक्ट्स आते हैं, उसको हम पीआर कहते हैं। सो आप लोग पूछोगे कि इसका क्या करते हो, सो कभी गिव अवे कर देते हैं, कभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को दे देते हैं। सो अगर आपको भी गिव अवे में इंटरेस्ट है तो आप चैनल पे चल रहे गिव अवे देख सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं इंस्टाग्राम पे गिव अवे करती रहती हूँ। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अ कोर्स दैट आई हैव स्टार्टेड, उसकी डिटेल आपको यहाँ सामने दिख जाएगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉमेंट और मैं रीच आउट कर सकती हूँ आप लोगों को। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस बार पीआर में ये सारी चीज़ें आई हैं, नेचर फॉर नेचर की नाइट क्रीम, कुछ इस तरीके का टेक्सचर है इसका। अगर आपको ये बाय करनी है इनमें से कोई भी चीज़ तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। मोहा का सनस्क्रीन स्प्रे ये अभी गिव अवे पे है, आप चेक करिए मेरे चैनल पे एंड आप पार्टिसिपेट करके विन कर सकते हो इसको। सो कुछ इस तरीके का टेक्सचर आप स्प्रे करते हो, सो बीच वगैरह अगर हॉलीडे पे आप जा रहे हो तो अच्छा रहता है रीअप्लाई करने के लिए। रीअप्लाई से याद आया, सनस्क्रीन मिथ्स वाली वीडियो ज़रूर देखना, ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा। मॉलिक्यूलर एक ब्रांड है, उसका सीरम आया था पीआर में, स्किन करेक्शन सीरम है, इस तरीके का दिखता है। ये भी हम बहुत जल्दी गिव अवे में डालने वाले हैं, सो अगर आपको विन करना है तो बने रहे। वैदिक लाइंस का स्किन मास्टर्स, इस तरीके का फुट स्पा के लिए, फुट आपका पेडिक्योर के लिए ये सारे पाउचेस आए थे, आप देख सकते हो उसमें क्या क्या है। अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, सो आई लेट यू नो वेरी सून कैसा है। अगर आप चाहते हो वीडियो बनाओ इस पर तो नीचे कॉमेंट कर देना। फेशियल किट आई है क्लेंस्टा की पीआर में, सो ये ट्यूब में आती है, मुझे अच्छी लगती है, आप कैरी कर सकते हो, बार बार भी यूज़ करना है तो स्पिल नहीं होती है, कहीं सैशेज वगैरह जैसे कट करके यूज़ करने पड़ते हैं ना वैसा नहीं रहता। कास का एक्ने सॉल्यूशन आया है इसने, जो मेरे एक्ने मार्क्स थे उस पर भी वर्क किया है और जो एक्टिव एक्ने थे उस पर भी किया है। सो इसकी वीडियो का भी मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, सो आप चेक कर सकते हो इसकी डिटेल, और अगर बाय करना है तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक से बाय कर सकते हो। देन ये है एंटी एक्ने सीरम पिलग्रिम का। सो पिलग्रिम की एक वीडियो आने वाली है मेरे पास, जितने पिलग्रिम के प्रोडक्ट हैं मैं उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ। सो वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ लाइक शेयर कर लो। कुछ इस तरीके का टेक्सचर है इसका, सो मैं सारे टेक्सचर्स जल्दी से तो आपको यहाँ दिखा देती हूँ, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए किसी भी चीज़ की तो आप मुझे बता सकते हो। माइक लैम का सुपर लैश वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा है, सो इसका वॉन्ड बहुत प्यारा है, आप देख सकते हो ना, सो अच्छे से अप्लाई होता है वो अपर लैशेज पे भी और नीचे पे भी। सो आई एम शोइंग यू हेयर कैसी लैशेज लग रही हैं अप्लाई करने के बाद, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और न्यू भी लगा इसका जो वॉन्ड है मस्कारा वॉन्ड। माइकलैम का ही सुपर कोल लॉन्ग स्टे काजल है, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का दिखता है, ये कलर में ब्लैक है। देन माइकलैम का ही ट्रेजर पाउडर ब्लश है, सो एक कोरलिश रेडिश ब्लश है, आप देख सकते हो काफ़ी हल्का सा है तो आप इसको बिल्डअप कर सकते हो। मैं आगे आपको दिखाती हूँ किस तरीके का लगता है ये, मैंने हल्का सा बेसिक मेकअप अप्लाई किया है कंसीलर वगैरह से, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाया है, सो इस पर नॉर्मली अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ओवर द टॉप नहीं। माइग्लैम की ये डुअल लिपस्टिक है, सो ऊपर आप देख सकते हो बुलेट लिपस्टिक है, नीचे जो है आपको लिक्विड लिपस्टिक मिल जाएगी रेड कलर की, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप ट्राई करना चाहते हो। मैं बहुत जल्दी एक सीरीज़ लाने वाली हूँ, मेरे पास जितनी लिपस्टिक है उनका आपको स्वॉचेस मिलेंगे देखने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो यहाँ मैं इस लिक्विड लिपस्टिक का आपको टेक्स्चर दिखा देती हूँ किस तरीके का है, एंड रेड है, आई लव रेड लिपस्टिक, इफ़ यू ऑल्सो लव रेड्स तो आप मुझे बताना, अगर आप न्यू लिपस्टिक या यू नो डार्क लिपस्टिक वाले हो तो नीचे कमेंट करके बताना कैसी लिपस्टिक अच्छी लगती है आपको। ये है स्वॉच बुलेट लिपस्टिक का, ये थोड़ा सा मरूनिश शेड में ज़्यादा आ रहा है और हल्का ग्लॉसी है, ये बुलेट लिपस्टिक है तो ट्रांसफ़र तो होती ही है, बट दे आर नॉट ड्राइंग टू योर लिप्स। फिर माइकलैम का सेटिंग स्प्रे, ये मैंने मेकअप करके अप्लाई किया था, सो नॉर्मली स्टे करता है जितना नॉर्मल होता है। प्लम का मुझे पीआर आया था, आई लव प्लम ब्रांड और इनका पीआर इतना अच्छा आता है, प्रोडक्ट्स भी मुझे अभी तक काफ़ी अच्छे लगे हैं, तो ये प्लम हिबिस्कस एंड सेरामाइड्स के शैम्पू कंडीशनर एंड सेरम आए थे।
वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।